क्योंकि सफलता और असफलता तो लगी रहती है, कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज जो हम लोग करेंगे उसमें सफल होंगे। तो लड़कियों के साथ या हमारी बेटियों के साथ ही वो प्रश्न क्यों होना चाहिए, सबके साथ प्रश्न होना चाहिए। और प्रश्न होना चाहिए क्योंकि अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, लेकिन वो सबके साथ हो, अगर हो तो सबके साथ हो। और अवसर जरूर दें, अवसर मिलने के बाद अगर किसी का हो या नहीं हो तो कम से कम मन में किसी के मना नहीं रहेगा कि हमको कुछ करना था, हम कर नहीं पाए। मैं कनक लता से मिला था, इनके विद्यालय में गया था, इतनी बेहतरीन पेंटिंग करती हैं, इतनी बेहतरीन पेंटिंग करती है। मैं इन्होंने मुझे दो पेंटिंग गिफ्ट दी थी, इसलिए नहीं कि उन्होंने मुझे पेंटिंग गिफ्ट की, उन्होंने बहुत सुंदर बनाया। मैं इनको बोला था कि मैं एक तो सर्किट हाउस में हम लोग लगाएंगे और एक मैं अपने घर में अपने यहाँ लगाऊंगा, बहुत अच्छी। इनको एक अवसर मिला, स्कूल में पढ़ने का अवसर मिला, जवाहर महोदय विद्यालय अपने आप में ऐसा स्कूल है जहाँ पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पर काफी जोर है, तो कहीं से भी वो अलौली आपका घर है, काम कर रहा है आपका दिलदौर घर है, दिलदौर से जवाहर महोदय विद्यालय पढ़ने आई घर छोड़कर, उसके वहां उसको थोड़ा सा किसी ने पुश किया, एक अवसर दिया, तो ये राष्ट्रीय स्तर पर जाके और नरेंद्र मोदी जी से जाके उन्होंने संवाद स्थापित किया, बहुत बड़ी बात। बिलदौर के छोटे से गांव से उठकर दिल्ली तक पहुंचना जो किसी के लिए आसान नहीं, द्रौपदी मुर्मू जी जो इतना संघर्षमय जीवन उनका रहा है, मतलब आप उनके बारे में पढ़िएगा तो बहुत ज्यादा संघर्ष करके अपने गांव की सबसे पहली शिक्षित महिला बनी, उसके बाद उन्होंने टीचिंग का भी काम किया, राजनीति में जुड़ी, उसका पारिवारिक काफी समस्याओं का उनको झेलना पड़ा, परिवार में कई हादसे हुए, उसके बावजूद भी आज भारत की प्रथम नागरिक। तो जो जर्नी है वो कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी जगह से अगर उनको किसी ने रोक दिया होता वहां पर कि पढ़ लिख के क्या करोगे, वो भी एक ऐसे परिवार से जो कि अनुसूचित जनजाति वाला क्षेत्र है झारखंड से जहाँ पे आ रहे हैं, जहाँ पे और भी ज्यादा लोगों में उतनी ज्यादा शिक्षा का बहुत ज्यादा प्रचलन नहीं है, अगर वहां रोक दिया गया होता तो शायद आज यहाँ नहीं होती। उनको एक अवसर मिला, उस अवसर को उन्होंने ट्रांसफर किया, पहुंचे जहां पर पहुंचना है, और ये सबके लिए संभव है। राज्य सरकार द्वारा इस चीज को बहुत पहले ही समझ लिया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं हैं इसमें बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो कि महिला सेंट्रिक या फिर बच्चियों से रिलेटेड, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि अभी देश के किसी भी राज्य में नहीं किया है, जो सरकारी सेवाओं में 33% और पुलिस सेवा में 50% का उन्होंने आरक्षण दिया, किसी राज्य में नहीं है, और हम उसका प्रभाव देखने को मिले। हम तो कई बार पुलिसिंग को कितना ब्लेम करते हैं कि सब व्यवस्था खराब है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, रात में अरेस्ट कर लिया जा रहा है, वो सब समाप्त होगा जब महिलाओं की संख्या पुलिस फोर्स में बढ़ेगी, तो अब ये देखने को मिलेगा धीरे धीरे। कन्या उत्थान योजना, बेटी के जन्म को बोझ ना समझ के बेटी के बच्चे को सेलिब्रेट करने के लिए सरकार जो है उसके जन्म पर, उसका आधार पंजीकरण पर, उसका पूरा टीकाकरण कंप्लीट करने स्कूल के दाखिले पर, उसके 10th पे, उसके 12th पे, उसके ग्रेजुएशन पे, हर चरण के लिए सरकार द्वारा इंसेंटिवाइज किया जा रहा है। ये प्रयास मात्र है, इससे चीजें बदल नहीं जाएंगी, लेकिन कम से कम सोच में थोड़ा विस्तार होगा कि बेटी को बोझ नहीं समझे, ये आपके लिए एसेट है। और जैसा प्रिंसिपल साहब बता रहे थे कि बेटियां हर समय बेटों से बढ़कर, मेरी भी बेटी है, यहाँ पे बहुत लोग होंगे जिनकी बेटियां होंगी जो आपसे बहुत प्यार करती है, परिवार के लिए, और ये बात सही है। इसका मतलब ये नहीं कि बेटे एकदम ही मतलब वैसा नहीं है, लेकिन फिर भी पीपीएससी की परीक्षा पास करने के लिए यूपीएससी की प्रीलिम्स अगर आप पास करते हैं तो राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन स्वरूप राशि दी जाती है, कन्या विवाह में राशि दी जाती है पेरेंट्स को, महिला सशक्तिकरण के लिए महिला उद्यमियों को प्रमोट करने के लिए जो है उद्यमी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, इसके अलावा भारत सरकार की बहुत सारी योजना है जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना चल रही है, हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स है जिसमें महिलाओं के प्रति किसी प्रकार के भेदभाव को रोकने के लिए प्रचार प्रसार की गतिविधियां चलती है, नारी शक्ति आपका वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन महिला विकास निगम की बहुत सारी स्कीम्स है। अभी इसी क्रम में अभी हाल फिलहाल हम लोग क्या एक निर्देश आया है कि सभी कार्यालयों में जहाँ पर महिला कर्मी है उनको बच्चों की देखरेख में के लिए चिंतित ना रहना पड़े, तो एक क्रेश निर्माण की बात कही गई है जहाँ पर बच्चे माताएं जो अपने बच्चों को रख सकेगी, काम भी करेगी और समय पे जब भी समय मिलेगा 5 मिनट जाकर अपने बच्चों को देख सकेगी, 2 केयरटेकर होंगे जो उसका ख्याल रखेंगे बच्चों का, माताएं एकदम निश्चिंत होकर वहां पर अपना काम कर सकेगी। तो ये सारी चीजें अब हम लोग भी जल्द ही यहाँ पे क्रेश का
उद्घाटन शीघ्र ही होने वाला है उसके अंदर। खगड़िया शहर का एकमात्र रेमंड शोरूम जहां आपको मिलता है रेमंड्स के सभी कपड़े उपलब्ध। नक्कालों से सावधान। पता है खगड़िया शहर के सागर मॉल चौक स्थित भारत वस्त्रालय के बगल में, स्टाइल बाजार के बगल में द रेमंड शॉप। बिल्कुल आपने सही सुना, इस लगन के मौके पर आप आज ही पधारे द रेमंड शॉप यानी भारत वस्त्रालय के बगल में। रेमंड शोरूम हमारा बहुत पुराना शोरूम है, हमारी भारत वस्त्रालय जो हमारी 40 वर्ष की दुकान है उसके बगल में है, स्टाइल बाजार के सटा हुआ है, मेन रोड सागरमल चौक। हमारी रिक्वेस्ट है आइए हमारे शोरूम में एक बार जरूर भेजिए।